आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पशुओं पर लंपी वायरस का प्रकोप फैलने लगा। वायरस से आदिवासी पशुपालक परेशान। भगवानपुरा तहसील के ग्राम सिरवेल सहित आसपास ग्रामों फलियों में पशुओं पर लंपी वायरस का प्रकोप धीरे धीरे फैल रहा है, जिससे पशुपालक परेशान है। सिरवेल क्षेत्र के तितरवांगली, राय टेमरी, मुढ़ियारी, पटेल फालिया और इसके अलावा ग्राम के अंबा, उमरिया, नांदिया, गोंठिया में पशुओं पर लंपी वायरस का असर देखा जा रहा है। हालांकि अभी ये वायरस इक्का दुक्का पशुओं पर है। सिरवेल के समीप बड़फलिया में 10 से अधिक पशु, बैल, गाय और कीड़े इस वायरस की चपेट में हैं। प्रारंभिक तौर पर स्थानीय पशु चिकित्सक भाई सिंह डाबर द्वारा पशुओं का उपचार किया गया। सिरवेल वन समिति अध्यक्ष मिस्टर राम किराणे ने बताया कि 40 से अधिक पशुओं पर लंपी वायरस से पशु बीमार है। पैर, गले में सूजन हो जाती है। एक या दो दिन में पशु की मौत हो जाती है। समय रहते इसका उपचार होना अब जरूरी हो गया। दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में भी पशु इस वायरस की चपेट में तो है, लेकिन इस लंपी वायरस बीमारी से हमारे आदिवासी अनजान हैं। यहाँ प्रत्येक सप्ताह लगने वाला साप्ताहिक पशु हाट बाजार को भी बंद कर दिया गया। इस लंपी वायरस की रोकथाम के लिए अभी तक भी यहाँ के पशु चिकित्सालय में टीका उपलब्ध नहीं हो पाया। पशुओं का वैक्सीनेशन समय पर नहीं किया गया तो सिरवेल क्षेत्र सहित एक दर्जन से अधिक आदिवासी ग्रामों में ये लंपी वायरस तेजी से फैल सकता है। भगवानपुरा से सुरेश महाजन की रिपोर्ट। बीमारी तो कहीं पकड़ में नहीं आ रहे, फुंसी हो जाते फूड़े, उसका कहीं तोड़ नहीं, एक दूसरे के लगते वायरस के हिसाब से ना पूरा गांव में बीमारी फैल रही, कहीं इलाज नहीं रहा उसका तोड़ नहीं। अमुक समझ में नहीं आ रहा क्या करना, कहीं नहीं कोई क्या करें, कहीं नहीं जानवर है, दो चार दिन में खत्म हो जाता। इसके बारे में कोई किसी को सूचना दी गई नहीं अभी तक? अभी तक किसी को नहीं दी अभी तक। अभी अपना नांदिया में है, ढोपा इधर ज्यादा है, सिरवेल में भी है, किसी को नहीं। ये फुंसे जाते आ जाना, उसमें खून आ जाता आता है। तो ये इस फलिया के अंदर कितने पशु बीमार है? 8-10 हैगा तो एक फलिया में, सिरवेल में। ती सब दवाई दे, जुजानी दवाई दे, सांगो तुझे दवाई दे। हां जो फलो पीरे दवाई दे दो। भाबरिया फलिया है, कम से कम 40-50 ढोरे। हां हां है जा, हतरा है जा, है जा। क्या चाहते हो तुम? कहीं भी इसका इलाज होना चाहिए। हां सही है, होना चाहिए इलाज। कर नहीं है तो टीका मीके लगा रहे, कर कहीं भी हो सके, होना चाहिए इसका।